उदय और विस्तार लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इस्लाम धर्म ने साम्यवाद की भांति ईसाई धर्म की समकालीन बुराइयों को पृथक करने के लिए एक सुधार की व्यवस्था कर अपना मार्ग प्रशस्त किया। ये इतिहासकार आनरोल जे कायनेबी ने कहा था, उनके शब्दों में इस्लाम जो धर्म है विश्व में सबसे तेज गति से फैलने वाला धर्म है। पूरे वर्ल्ड में इस्लाम धर्म की मानने वाले अनुयायी हैं। गत अध्याय में हमने तीन महाद्वीपों में फैले हुए रोम साम्राज्य के उत्थान व पतन के विषय में जाना है। दूसरी शताब्दी में यह साम्राज्य अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंचा, लेकिन सातवीं शताब्दी के अंत तक आते आते यह विशाल साम्राज्य धाराशाही हो गया। इस साम्राज्य के विशाल भू क्षेत्र पर अरबों ने अधिपत्य कायम कर लिया। प्राय अरब महाद्वीप एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह प्रायद्वीप अनेक सभ्यताओं, धर्मों, संस्कृतियों विकास भूमि रहा है। इस प्रायद्वीप में सातवीं शताब्दी में इस्लामी सभ्यता का जन्म हुआ। इस्लाम शब्द कहाँ से आता है? इस्लाम शब्द अरबी भाषा के सलम शब्द से बना है। सलम का अर्थ है हुक्म मानना। व्यापक अर्थों में इस्लाम एक धर्म का नाम है जिसका उदय सातवीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे। पैगंबर मोहम्मद के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप इस्लाम धर्म शीघ्र ही समूचे अरब प्रायद्वीप में फैल गया। इसके पश्चात खलीफाओं के शासनकाल में अरबों के अथक प्रयत्नों से इस्लाम तथा इसके समर्थक देशों के साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अंटार्कटिका सागर से पूर्व में सिंधु नदी तक और उत्तर में कैम्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी घाटी तक विस्तृत हो गया। इस विशाल क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्षेत्र में स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण फ्रांस, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, अरब, सीरिया के क्षेत्र आते थे। मेसोपोटामिया, आर्सिनिया, पारसिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, क्षेत्र में सम्मिलित थे। इस अध्याय में हम प्रायद्वीप में जन्मी इस्लामी शब्द का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के विषय में जानेंगे। इस्लाम इतिहास की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं इसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। इस्लाम की जानकारी 600 ईसा से 1200 ईसा तक के
इस्लामी इतिहास की जानकारी के लिए इतिहासकारों के पास बहुत सारी स्रोत सामग्री उपलब्ध है। इस स्रोत सामग्री को अध्ययन की सुविधा के लिए चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ऐतिहासिक, दूसरा है ऐतिहासिक कृतियां, दस्तावेज, पुरातत्विक साक्ष्य, नौवीं और दसवीं शताब्दी के अनुसंधान कार्य। मैं आपको इस्लाम के उदय के बारे में, इस्लाम के विस्तार के बारे में ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक जो कृतियां हैं उनके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से इसको समझिए और पढ़िए। ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक जो कृतियां हैं 600 ईसा से 1200 ईसा तक के इस्लामी इतिहास की जानकारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐतिहासिक कृतियों में इतिवृत्तों अर्थात अवारिक का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन स्रोत है ऐतिहासिक कृतियों में। हाँ, चरित्र सिरा पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख, हदीत एवं कुरान की टीकाएं, तस्वीर आदि कृतियां अर्ध ऐतिहासिक कृतियों के अंतर्गत आती हैं। इन कृतियों का निर्माण प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों के विशाल संग्रह से उपलब्ध सामग्री से किया गया है। ये वृत्तांत विशेष कला अवधि में मौखिक अथवा लिखित रूप में लोगों तक पहुंचते थे। ऐसी प्रत्येक सूचना की प्रमाणित जांच एवं आलोचनात्मक तरीके से की जाती है, जिसमें सूचना भेजने की प्रमाणिकता की जांच एवं आलोचनात्मक तरीके से की जाती है, जिसमें सूचना स्नात के स्रोत की जानकारी की जाती है और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता की जांच की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचनाओं का चुनाव करने और सूचना दाताओं के अभिप्राय को समझने में विश्व के अनेक भागों के अपने समकालीन और अन्य लेखकों की अपेक्षा अधिक जागरूक थे। दस्तावेज प्राप्त जानकारी के अनुसार समकालीन दस्तावेज इस्लाम में इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। दस्तावेज क्या होता है? दस्तावेज एक प्रमाणीकरण होता है जो लिखित में होता है, जिसमें चिन्ह होते हैं। जो पुराने इतिहासकार हैं वो दस्तावेज पांडुलिपि होता है, इसको अपन दस्तावेज कहते हैं, लिखित होता है। तो दस्तावेजों के अंतर्गत लेखों के खंडित अंश जैसे सरकारी आदेश अथवा निजी पत्राचार आदि आते हैं। ये दस्तावेज इतिहास लेखन के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसमें पूर्व चिंतन कर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता। अतः ये दस्तावेज पर्याप्त विश्वसनीय माने जाते हैं। इतिहास लेखन के लिए यूनानी, अरबी, पेपराइस और गेनिजा अभिलेखों से पर्याप्त दस्तावेज साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो प्रशासनिक इतिहास की जानकारी के लिए काफी उपयोगी हैं। बच्चों,
कक्षा 11वीं इतिहास इस्लाम का जो उदय हुआ है, इस्लाम का जो विस्तार हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है। आगे का जो पहला ग्राफ है उसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो मेरे से संपर्क करिए।